ये है निविया ऑयल लोशन अल्ट्रा रिच। ये 48 आवर्स आपके स्किन को मॉइस्चराइजर प्रदान करती है और ये आमंड ऑयल एंड विटामिन ई की गुडनेस के साथ आता है और ये आपके स्किन में डीप मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करती है। क्विक अब्जॉर्ब फार्मूला के साथ आती है और आपके स्किन को ये सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल बनाती है। ये एक न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट है, मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपास ब्यूटी। आज मैं आप सबके साथ मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉडी लोशन शेयर करने वाली हूँ, वो है निविया ऑयल इन लोशन अल्ट्रा रिच। ये आमंड ऑयल की गुडनेस से भरा हुआ है और आपकी स्किन कितनी भी ड्राई हो ये वर्क करने वाला है। ये अल्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है। विंटर में अगर आपकी स्किन फट जाती है और उनमें लाइन्स आ जाते हैं ना, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये आपके स्किन को बहुत हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती है। ये आपके स्किन को 48 आवर तक मॉइस्चराइज करती है, यानी नहाने के बाद अगर आप एक बार इसे अप्लाई कर लीजिएगा तो फिर पूरा दिन आपको और कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी लोशन है फ्रेंड्स, आप इसे फेस पे मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम इसे फेस में अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, ये बॉडी लोशन है और आप इसे अपने बॉडी पर इस्तेमाल कीजिए। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है, लेकिन विंटर में ऑयली स्किन वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी में। जब विंटर में बहुत सर्दी पड़ती है और हमारे स्किन रूखी और डल हो जाती है और फटने लगती है, तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इवन मैं इसे फुल विंटर ट्राई करती हूँ और मेरे स्किन में बिल्कुल भी लाइंस नहीं आती है और ये स्किन को बहुत बहुत हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखती है। अब इसकी कीमत मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, इसकी कीमत है 499 रुपीस और ये 400 ml क्वांटिटी के साथ आता है। 3 इयर्स लॉन्ग सेल्फ लाइफ के साथ आता है और ये आपके स्किन को ना बहुत हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती है। इसमें आमंड ऑयल एंड विटामिन ई है और ये आपके स्किन को 48 आवर लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है। ये आपके स्किन को नरिश करती है, ड्राई स्किन को और ज़्यादा हाइड्रेट और प्लम्पी बनाने में मदद करती है। फ्रेंड, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये 400 ml की टब है और इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी मिलता है, लेकिन मैं इसे ट्रेवल फ्रेंडली नहीं कहूँगी, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छा मिलता है इसमें। और आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, या इस तरह का पंप के साथ आता है, ऐसे ये ओपन होता है और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मॉइस्चराइज है और ये ना बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। सो मैं अपने दोनों हाथ पे इसे अप्लाई कर लूँगी और देखिए ये वाइट कलर का है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया हुआ है और ये आपके स्किन को ना एज ए एक बॉडी बटर जैसा फील देता है, इतना हाइड्रेट करता है स्किन को, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज़र ये प्रोवाइड करती है। फ्रेंड, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पीछे साफ साफ मेंशन है इसके इंग्रेडिएंट्स और इसमें ग्लिसरिन है जो आपके स्किन को बहुत हाइड्रेट करती है, विटामिन ई है जो आपकी स्किन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है और आमंड ऑयल है जो आपके स्किन को नरिश करती है, हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चराइज करती है। और ये अल्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है, बट इसे विंटर में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन फट जाती है, स्किन में लाइंस आ जाती है, इवन जो ऑफिस या कॉलेज जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है उन्हें कि बार बार वो अप्लाई करें अपने स्किन में बॉडी लोशन, वो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दिन में एक बार इसे अप्लाई करेंगे ना, तो फुल डे ये आपको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये 48 आवर यानी 2 दिन की मॉइस्चराइज़र के साथ आती है। बट अगर आप बाथ ले लेंगे तो फिर वो नहीं होगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि एक दिन
चल जाए ना तो भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो 48 आवर आपके स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेटिंग करती है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, बहुत जल्दी आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और एक ब्राइट लुक भी प्रोवाइड करती है, बिल्कुल भी ऑयली या चिपचिपी नहीं है, आपके स्किन को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे विंटर के बाद समर में भी अप्लाई करेंगे तो मैं कहूँगी ये आपको चिपचिपी लग सकती है, क्योंकि ये समर का प्रोडक्ट नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर विंटर, एंड जिनके स्किन बहुत बहुत ड्राई है वो समर में अप्लाई कर सकते हैं अपने, मैं कहूँगी कि वो रात में अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इसे दिन में अप्लाई करेंगे तो आपको स्वेट आ सकती है, चिपचिपी और ऑयली भी लग सकती है, मैं समर की बात कर रही हूँ। और रात को अगर आप एसी में रहते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है वो इस अप्लाई कर सकते हैं, और विंटर में ऑल स्किन वाले लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें सनस्क्रीन नहीं है तो आप अगर दिन में इसे अप्लाई करेंगे तो इसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करना फ्रेंड्स, और दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।